न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 27 सितंबर को होने वाले रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। चुनाव लड़ने का हर कोई इच्छुक उम्मीदवार जहां मतदाताओं को लुभाने में लगा है, तो वहीं ऐसे में रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन के तौर पर अपनी पत्नी उपमा यादव को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुके पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने आज चाय पर चर्चा के बहाने यह दिखा दिया कि उन्हें हर बिरादरी का समर्थन प्राप्त है। सभा में उमड़े भारी जनसैलाब को देख गदगद हुए सतीश यादव अपने आप को यह कहने से भी नहीं रोक पाए कि वे कल भी रेवाड़ी की जनता के गुलाम थे, और अगर क्षेत्र की जनता ने उनकी पत्नी को मौका दिया तो वे कल भी रेवाड़ी की जनता के गुलाम रहेंगे। इस सभा में सतीश यादव एक तीर से कई निशाने साध गए। उन्होंने जहां एक ओर खुद को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेटा हनुमान बता डाला, तो वहीं यह कहते जरा भी देर नहीं लगाई कि रेवाड़ी शहर के विकास के लिए उन्हें अपने से छोटे होकर भी स्थानीय विधायक के पैर पकड़ने पड़े तो वे जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व भाजपाई विधायक रणधीर कापड़ीवास को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है जिस तरह गत विधानसभा चुनाव में उन्होंने कापड़ीवास का साथ दिया था, तो निश्चित रूप से आने वाले नगर परिषद चुनाव में उन्हें भी रणधीर कापड़ीवास का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। वहीं सतीश यादव ने डंके की चोट पर कहा कि न भ्रष्टाचार करूंगा और न भ्रष्टाचार होने दूंगा। इतना ही नहीं, अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो चुनाव जीतने के एक महीने के भीतर शहर की तस्वीर बदल दी जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से, दो तीन दिन से, हमने पिछले संडे को एक मीटिंग बुलाई थी वहाँ ऑफिस के सामने, जो अपना ग्राउंड है इसका, स्टेडियम का, उसके बाहर। और उस दिन हमने ये कहा था क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। लोगों का मत उस दिन भी था कि लड़ो, और हमने अपने परिवार के लोगों से ये कहा था नहीं, ऐसे नहीं, जब तक हमारा पूरे इसमें 31 वार्डों में जाओ और सबसे मिलो, एक एक व्यक्ति से, और वो क्या कहता है और उनकी राय क्या आती है। अगर वो कहे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे, और उनका ये मत आता है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो हम नहीं लड़ेंगे। और आज आपके सामने है, जिस तरह से मेरा आज जो खून का वेग है वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है अपने परिवार के लोगों को देख के, और इतनी अपार खुशी और प्रसन्नता है कि चुनाव का रिजल्ट जो परमात्मा देगा, जो वाहेगुरु चाहेगा वो होगा। लेकिन जिस तरह से मेरे परिवार ने, जिस तरह से मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे नौजवान ने, मेरे साथियों ने जिस तरह से प्यार प्रेम आशीर्वाद यहाँ आके दिया, सतीश तो इनका पहले भी जरखरीद था, इनका गुलाम था, आगे हमेशा रहेगा। पहले बार के चुनाव भी लड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो अब क्या कुछ उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं? मेरा अत्री जी, मेरा उद्देश्य पहले भी ये था कि प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था तो अनेक वकील साथी यहाँ आए होंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच में जब मैं गया तो मैंने ये कहा था कि मैं प्रत्येक नौजवान को, जो उसकी लाइब्रेरी की परेशानी है या उसकी एक रिकॉग्नाइज नहीं है, नौजवान नया वकील, आप सबको पहचान देंगे, आपकी लाइब्रेरी देंगे, आपके चैम्बर्स की लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी आपको शुद्ध पिलाएंगे, आपकी डायरेक्टरी बनाएंगे, और आपको एक ये देंगे कि क्यों एक बुजुर्गी क्यों नौजवान राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। और वो उनके बीच में हमने साबित की, और आज डिस्ट्रिक्ट बार की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, बेस्ट वहाँ चैम्बर्स है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया वहाँ डायरेक्टरी छपती है, और वहाँ नौजवान वकील ही प्रेसिडेंट बनता है। अभी तक केवल आप ही एक चेहरा थे, इस बार आपकी धर्मपत्नी मैदान में आ रही है, तो क्या लगता है कि कितना कड़ा, यानी जो मुकाबले की अगर बात की जाए, किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले? देखिए भाई साहब, चुनाव चुनाव है, और चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हर आदमी अपनी तरफ से मजबूती से लड़ता है। जो भी कोई दूसरे, वो भी मजबूती से लड़ेंगे, हम भी मजबूती से लड़ेंगे। फैसला जनता करती है, और जनता किस तरह से लेगी वो पब्लिक का फैसला है, हमारा नहीं है। सहयोग और समर्थन की बात अभी आपने कही, किसको साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले मैदान में रहेंगे? देखिए, सहयोग और समर्थन, आपको पता है मैं पिछली बार किनके साथ था, और निश्चित तौर पर मैं उनसे, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे समर्थन देंगे, निश्चित तौर पर मुझे समर्थन देंगे। मैं भाई रणधीर सिंह कापड़ी आवास की बात करूँ, नाम भी सुनना चाहो, और निश्चित तौर पे वो मुझे प्यार प्रेम और आशीर्वाद देंगे। और भी यहाँ जो अनेक जो नेता हैं, जो इस इलाके में विकास की सोच रखते हैं, मुझे किसी से गुरेज और परहेज नहीं है मिलने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे तो अगर इस इलाके में विकास के लिए, जो मेरे से छोटा है, चाहे मेरे से यहाँ का जो विधायक है, चाहे वो विपक्ष का है, मैं तो उनसे भी सहयोग लूंगा, और मुझे चाहे कहीं राव इंद्रजीत सिंह के पास, मैं अपने निजी हित के लिए मैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ रहा, उनका बेटा हनुमान बन के रहा, लेकिन मैंने उनसे कभी निजी हित का कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराया। आज
चाहे मेरा और उनका हो सकता है कोई आपसी राजनीतिक विचारधारा का फर्क है, लेकिन उनसे भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे परिवार का पर्सनल काम है। मैंने उनसे भी कभी बात की तो मैंने यही कहा कि ये मैं इस काम के लिए आया हूँ, ये पब्लिक का काम है, ये आप करो, ये आपको करना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको चुना है। और आज भी मेरे को उनके पास क्या, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास, चाहे किसी के पास, रेवाड़ी के किसी गरीब के घर में, किसी झोपड़े में अगर अंधेरे से उजाला करना है, तो मैं किसी भी व्यक्ति के पैर पकड़ने में मुझे कहीं कोई गुरेज और परहेज नहीं।